उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया जॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात तीन शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों शूटरों ने अपने अपने हाथ खड़े कर स्वयं को सरेंडर कर दिया। इस बहुचर्चित हत्याकांड में एक टॉप शूटर कासगंज जिले का रहने वाला है। वह पूर्व में भी GRP पुलिस हत्याकांड में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह कासगंज को छोड़कर बाहर चला गया था। प्रयागराज के धूमनगंज मेडिकल कॉलेज में सरेआम बहुचर्चित माफिया डॉन अतीक और अशरफ की हत्या करने में शामिल एक शूटर अरुण मौर्य कासगंज के गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है। उसे गांव में अरुण मौर्य उर्फ कालिया नाम से जाना जाता है। अरुण के बचपन में ही माता पिता की मौत हो गई थी। बाद में वह सोरो कस्बे में जाकर रहने लगा था। अभी जल्दी में बताया गया कि अभी जल्दी में तो आया ही ना यहाँ, मतलब की खेती पर ही हमने भी खेती लिया। साल पहले गए थे यहाँ से, चले गए होंगे अरुण होंगे कोई 10-11 साल के, तब से चले यहाँ। उनका क्या क्या मीडिया वाले आगे देखो, मैंने जगह पर ही जा फोर्स से सर, जितनी हमारी है तितनी उन्हें भी है। आपको पता है क्या अरुण अरुण ने अतीक की और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी है? अब मैं तो सोरम के ना जान तो के ना जा रहे हैं यहाँ से। अरे इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जो प्रयागराज में हत्या हुई है, गोली मारकर आपको इसकी जानकारी है? उसके आपके भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी मालूम है? भैया मेरे और कोई ना जानकारी है ना अरुण के, मुझे और पता हूँ। आज पुलिस आई है आपके घर में, क्यों आई? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।